नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग आपका स्वागत करता है। आज के जो हम अभ्यास करने वाले हैं वह हठप्रदीपिका के आसन है। हठप्रदीपिका में प्रथम उपदेश में 15 आसनों का वर्णन किया गया है। आज जो सबसे पहले अभ्यास हम करेंगे वह प्रथम आसन स्वस्तिक आसन का अभ्यास करेंगे। स्वस्तिक आसन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आप दंडासन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर इस प्रकार फैला लें। धीरे से दाएं पैर को मोड़ लें। दाएं पैर की जंघा और पिंडली के बीच में आप अपने बाएं पैर के पंजे को इस प्रकार से फिक्स कर लें। यहीं से अपने दाएं पैर के पंजे को ऊपर या नीचे जैसे भी आप निकालना चाहते हैं, इस तरीके से पंजे को अपने बाएं पैर की जंघा और पिंडली के बीच में फिक्स कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। अंतिम स्थिति में दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें और धीरे से आंखें बंद करते हुए आप यह अभ्यास प्रारंभिक स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। धीरे से आंखें बंद करते हुए इस प्रकार यह इस आसन की अंतिम स्थिति है जिसमें आपके पैरों की आकृति स्वस्थ के समान हो जाती है। अभ्यास पूर्ण होने के बाद धीरे से आंखें खोलेंगे। अभ्यास करने से पूर्व कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपके पैरों के जो अधिक कड़े हैं, मांसपेशियां अधिक कड़ी हैं, लचीलापन नहीं है तो आप यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। यदि आपके जोड़ों में किसी प्रकार की समस्या है, आपको गठिया या बात की समस्या है तो उस स्थिति में अभ्यास ना करें। इस अभ्यास के लाभ, यह अभ्यास धनात्मक अभ्यास है इसलिए ध्यान के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। यह अभ्यास आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, साथ ही साथ पैरों में लचीलापन लेकर आता है। यदि आप नियमित इसका अभ्यास करते हैं आपके दोनों पैर लचीले बनते हैं, पैरों के जोड़, पैरों की मांसपेशियां लचीली बनती है। अभ्यास पूर्ण होने के बाद यदि आप सहज महसूस करते हैं तो कुछ और देर तक अभ्यास कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं और पूर्ण होने के बाद धीरे से आप अपने दोनों हाथों को विश्राम की स्थिति में लेकर आएंगे। जिस प्रकार से आप गए थे उस प्रकार से वापस आएंगे। अपने दाएं पैर को इस प्रकार से खोल लें, बाएं पैर को सीधा करेंगे। तत्पश्चात पुनः दंडासन की स्थिति में आते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं। कमर ढीली छोड़ते हुए आंखें बंद कर लें और विश्राम की स्थिति में रहें।